यौन उन है गंभीर बीमारी का शिकार। पतले होने के पीछे क्या है तानाशाह का प्रोपेगेंडा? आखिर कोरिया में कौन सी नई नीति उपज रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माने जाने वाला किम जोंग उन ने वर्ल्ड वाइड में अपनी एक फोटो से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका भी किम जोंग उन की तस्वीर के पीछे विश्लेषण करने में जुटा है। पिछले दिनों में नॉर्थ कोरिया के इस तानाशाह का एक तस्वीर खूब वायरल हुआ, जब किम जोंग की चर्चा नहीं हुई हो। वर्ष 2014 में भी तानाशाह को लेकर स्वास्थ्य समस्या की बातें सामने आई थी। वहीं मौजूदा समय में वायरल फोटो पर किम पहले के मुताबिक पतला दिख रहा है। वहीं साउथ कोरिया से जुड़ा एनके न्यूज की मीडिया समूह के मुताबिक तानाशाह ने जब 2011 में नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली थी, उसके बाद से ही किम ने आने वाले हर साल 6 से 7 किलोग्राम तक वजन बढ़ाया था। इसके साथ ही इस न्यूज एजेंसी का तानाशाह की वायरल फोटो पर कहना है कि किम जोंग की हाथ की घड़ी को यहां जोर से जानबूझकर बांधा गया ताकि वो और पतला दिख सके। वहीं अब किम का यू ढीले ढाले कपड़ों पर कमजोर दिखने के पीछे विदेशी नीति में खलबली मच गई है। यहाँ एक्सपर्ट के मुताबिक आशंका लगाई जा रही है कि हो न हो किम की इस तस्वीर के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है, जिसके पीछे असली मुद्दे से भटकाने के लिए कोई बड़ी चाल मालूम पड़ता है। दरअसल यहाँ एक्सपर्ट का मानना है कि नॉर्थ कोरिया का यह तानाशाह दुनिया को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। खुद पतले देखने के पीछे ये अपने देश में फैली भूखमरी को छुपाना चाहता है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया में भी किम के पतले शरीर को लेकर चर्चा चल रही है, जहाँ ये दर्शाया जा रहा है कि वहाँ की जनता अपने राजा की इस हालत से बेहद दुखी और परेशान है। वहीं बहुत से ऐसे लोगों की इंटरव्यू भी ब्रॉडकास्ट की गई है, जिसमें लोग किम जोंग की हेल्थ पर बातें कर रहे हैं और अफसोस जताते हुए रो भी रहे हैं। इस पूरे मामले पर साउथ कोरिया में स्थित एक कंपनी के सीईओ चार्डो कैरोल ने तानाशाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये पतले होने के पीछे किम जोंग का एक बड़ा झूठ छिपा है, जहां ये अन्य देशों को दिखाना चाहता है कि नॉर्थ कोरिया में खाने की किल्लत वाली बदहाली का असर देश के मुखिया पर भी हुआ है और यही से ये अपनी कमी को छुपाने के पीछे नए हथकंडे अपना रहा है। इस पूरे मुद्दे पर नीदरलैंड के लिडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कोरियाई मामलों के जानकार क्रिस्टोफर ग्रीन ने कहा कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपने शासन में बढ़ोतरी देती है, वहीं इससे काफी फायदा भी मिलता है। यहाँ ग्रीन ने किम जोंग के पतले होने को लेकर ये भी कहा कि विदेशी नीति में अगर इसकी चर्चा हो रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत आम बात है। आपको बताते चले कि अमेरिकी अधिकारी जेनी टाउन, जो प्रोजेक्ट 38 के तहत नॉर्थ कोरिया पर अपनी नजर रखती है, उनकी माने तो तानाशाह के दुबले पतले होने के पीछे कोई विशेष कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, जबकि ये हो सकता है कि किम अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए फिट होने की शुरुआत कर रहा हो। फिर अंदेशा के तौर पर ये कह सकते हैं कि किम जोंग को ऐसी कोई बीमारी हो गई हो जिसके कारण बस इसका प्रभाव शरीर पर देखा जा रहा है। फिलहाल यहाँ कोई भी जानकारी साफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा समय में नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मर रहे हैं, जिसको लेकर एक्सपर्ट ने भी गहरी चिंता जताई है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और देखते रहिए HCN न्यूज़। धन्यवाद।